हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग है स्कॉन टेंपल। ये ईस्ट ऑफ कैलाश में पड़ता है। यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस है। आप मेट्रो से भी आ सकते हैं और आप बस से भी आ सकते हैं और अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं। कन्वेंस के लिए पार्किंग की सुविधा है यहाँ पे, मगर यहाँ पे चार्जेस है। आप पैदल भी आ सकते हैं मेट्रो स्टेशन से और आप ऑटो करके भी आ सकते हैं। ये मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से इसे सजाया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा वैसा दिख रहा है। लेकिन ये मंदिर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्राचीन है। इसकी बनावट बहुत अच्छी है, जो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस्कॉन टेम्पल कैसा है अंदर से। चलिए हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं। प्रसिद्ध स्कॉन मंदिर को हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना 1998 में हुई थी। इस मंदिर को अंदर से और बाहर से पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है, मगर इसे बनाते वक्त पत्थरों की काफी सुंदरता से तराशा गया है। इस मंदिर का नाम एक विशेष अंग्रेजी भाषा के शब्दों को बनाकर किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्कॉन टेम्पल में घूम चुके हैं और हम आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं, स्कॉन टेम्पल के बारे में। आपको यहाँ आने का समय है 9 से 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। तो आप 1 बजे के बाद आएंगे तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और फिर इसके बाद आपको 4 से 9 बजे आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर एंट्री है और यहाँ पर आने के लिए आपको पार्किंग की सुविधा है, मगर आपको पार्किंग देनी पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए। ये इस्कॉन टेम्पल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इसके व्यूज़ में आपको दिखा दूँगा कि कैसा है अंदर से, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके थोड़े से और कुछ व्यूज़। चलिए अब हम इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। इस्कॉन मंदिर के कृष्ण भगवान के मंदिर अलावा भी 3 और मंदिर हैं, वो करीब 90 फीट ऊंचे हैं। वो 3 मंदिर राधा कृष्ण, सीताराम और कौरवनीति के मंदिर हैं। मंदिरों को पहाड़ के हिस्से में बड़ी सुंदरता से बनाया गया है। साथ ही मंदिर के भीतर भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। इस मंदिर को लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग बाहर के देशों से भी आते हैं और यहाँ पर वेदों का अभ्यास करते हैं।
ये जो मूर्ति है जो आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक छवि है जो कालिया नाग को ऊपर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे थक चुके हैं घूमते घूमते, तो हम चल रहे हैं घर। अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए कोई भी कमेंट या कुछ भी इंक्वायरी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय।